Sudev. Sudev, samadhi. Aiyye idhar aiyye. Baithiye. चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए बगैर विरोध किए हमारे आगे समर्पण कर देने में ही तुम्हारी भलाई है। क्या तुम्हें अनुमान नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? अनुमान भी है और पहचान भी। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी वल्लभ के सामने खड़े हैं, वो पृथ्वी वल्लभ जो मालवा का अपराधी है। मालवा राज्य की ओर से तुम्हें देखते ही बंदी बना लेने का आदेश दिया गया है। बंदी बनाने का आदेश किसने दिया मालवा से आदेश और किस अपराध में? राजमाता वजदा के आदेश पर आपको महाराज सिंह दंत की हत्या के आरोप में बंदी बनाया जाता है। आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? कोई दिखाना था आपको। ये लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। लीजिए। रास्ते का कांटा बंदी बना हुआ है। अच्छी तरह से बांध दो इन दोनों राजद्रोहियों को। अप्रत्याशित है यह घटना, किसी पर संदेह? अनुमान भी नहीं है गुरुदेव, कोई सुराग हो तो संदेह करे ना। लगता है यह हमारे राज्य का ही षड्यंत्र है। शत्रु कदाचित राजमहल की गतिविधियों से भली भांति परिचित होगा। इस षड्यंत्र का पता मैं लगा कर रहा हूं। शत्रु चाहे जो भी हो, कहीं पे भी छिपा हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। वो दोनों औरतें कहां हैं? इस घटना के बाद से उन दोनों का भी कोई पता नहीं। उन दोनों औरतों का पता लगाना बहुत आवश्यक है। मैं अपने गुप्तचरों को यह कार्य सौंप देता हूं, और हां, हमें सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। एक अशुभ सूचना आई है। अशुभ सूचना? गुरुदेव,
मालवा की लड़ाई में मृणाल युद्ध में पराजित हुई है और बंदी बना ली गई है। किसी विशेष गुप्त स्थान पे उसे रखा गया है जिसकी सूचना किसी को भी नहीं है। गुरुदेव, तलप राज को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। कदापि नहीं। सेनापति को सूचित कीजिए कि सैनिकों को तैयार रखें। युद्ध की संभावना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपके सपने को यथार्थ का रूप देने का समय आ गया है। आपको दिया वचन पूर्ण होगा। दक्षिण की हवाओं को एक साथ बहते हुए देखेंगे। वचन दिया था मैंने पिता पिताजी को। अपना वचन नहीं पा पाया मैं छोड़कर चला गया। उनको सदा सदा के लिए चले गए। जाना नहीं चाहिए था। कोई भूल नहीं हुई है पृथ्वी, कोई भूल नहीं हुई तुमसे। ये एक षड्यंत्र है और ये समय कमजोर होने का नहीं है पृथ्वी, कमजोर नहीं होना। एक बात याद रखना पृथ्वी, महाराज को हमेशा तुम पर गर्व था। उन्हें भरोसा था कि तुम मालवा को किसी भी संकट से उभारोगे। उनके भरोसे को कायम रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है पृथ्वी। मालवा को महाराज पृथ्वी वल्लभ की आवश्यकता है। मालवा सुरक्षित है। रब उसे किसी पृथ्वी वल्लभ की आवश्यकता नहीं और उस पृथ्वी वल्लभ की तो कभी नहीं जिसने महाराज सिंहदंत और मालवा के साथ विश्वासघात किया है। सिंधु मेरे भाई, तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किया? कर सकता हूं मैं ऐसा? विश्वास होता है तुम्हें कि पृथ्वी इसका हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है सिंधु, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही हो इस षड्यंत्र के सूत्रधार। आखिर तुमने दिखाई दिया ना अपना छोटा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे अस्तित्व को छुपा देंगे? हरगिज नहीं। मालवा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। परंतु तुम चिंता मत करो, इतनी आसानी से तुम्हें मृत्यु नहीं दी जाएगी। तुमसे पहले एक एक करके उन सबको मरना होगा जो तुम्हारे इस घृणित षड्यंत्र में तुम्हारे साथ, चाहे वो रसनीति हो, चाहे तुम्हारे विशेष सैनिकों का दस्ता, या फिर तो वो तुम्हारी प्रेसी मृणाल। क्या बकवास कर रहे हो तुम सिद्धू? ठीक है, ठीक है। तुम्हारा मतभेद मुझसे है ना, संदेह मुझ पर है ना, तो किसी और को दंड क्यों दे रहे हो सिंधु? ये न्याय संगत नहीं है। नहीं है ये न्याय संगत, तर्क नहीं। प्रतीक्षा करो तुम अपनी बारी की, क्योंकि क्षमा ना मैं तुम्हें करूंगा ना उन्हें। मेरे भाई, तेरी बात को समझो, समझो मेरी बात को सिंधु। सिंधु मेरी बात सुनो, ये षड्यंत्र केवल मेरे विरुद्ध नहीं है, मालवा पिताजी के विरुद्ध नहीं है, तुम्हारे विरुद्ध भी है। ये हम सबके विरुद्ध है, मालवा के विरुद्ध है। सब नष्ट हो जाएगा सिंधु, सब नष्ट हो जाएगा। रुक जा सिंधु, बात को समझो मेरे भाई। सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा।